सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को भी पक्का आवास मिल सके, परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के सिहुलिया गांव में रामबली सहित कुल 65 परिवारों का आज तक पक्का आवास नहीं बना है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, यही हमारा घर है जो भी टूटा फूटा है, यही आप लोगों के सामने है। और हमारी इतनी अवस्था हो गई, कितने भी प्रधान आए और चले गए, लेकिन एक भी कार्य नहीं हुआ। न तो एक आवास मिला है, न तो एक राशन कार्ड है, और यही टूटी फूटी मड़ियाँ हैं, और सामने चूल्हा है, न तो हमारे पास गैस है, न तो किसी प्रकार का सुविधा हमें कोई है नहीं। ग्राम प्रधान के यहाँ जाकर सिफारिश की, लेकिन जितने भी ग्राम प्रधान आए, एक भी हमारी बात को नहीं सुने। भाई ये घर द्वार हमारे नहीं बा, खेती बाड़ी नहीं था, बनी मजूरी कह के कैसे बच्चन का पेट जेता। आदमी बहुत दुखी है कि हम दवाई कह कर हम मथुआ ना कर पाओ थे कि घर द्वार अपने लेखन के बना सके हैं। रात के इतवार की ठंडी में हम लड़कन के लेके अपने वही मड़ई में सुतल जाला, हमने घर गिर ले खातिर रात के बरसात में ना सो ना पावल जात, हमने रात भर जागीला लेखन के लेके कि हम कम से अपने लेखन का थुआ कर सके। प्रधान क्या जाता प्रधान भी ना सुनिया, सेक्रेटरी क्या जाता सेक्रेटरी भी ना सुनिया, तो के करे क्या जाल जाऊँ, के करे क्या प्रयास कर जाऊँ, के करे क्या जाल जाऊँ। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप चोलापुर वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-52-88 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इनके यहाँ भी पक्का आवास बन सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।